दादी माँ के बहुत ही आसान उपाय नंबर एक, प्याज काटने के बाद हाथों में प्याज की बदबू आती है। इस बदबू को दूर करने के लिए हाथों पर बेकिंग सोडा रब करें, फिर साफ पानी से धो ले, प्याज की बदबू दूर हो जाएगी। नंबर दो, अधिकतर महिलाएं लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर फ्रिज में रखती है, लेकिन यह जल्दी खराब हो जाता है। इसे अधिक समय तक स्टोर करने के लिए लहसुन अदरक को छीलकर धोकर साफ कर साफ कपड़े से पोंछ लें ताकि उनमें पानी बिल्कुल नहीं रहे। लहसुन अदरक को सूती कपड़े पर फैलाकर 4 से 5 घंटे तक पंखे के नीचे फैला दें, फिर मिक्सर में बिना पानी मिलाए पीस ले, जार में भरकर फ्रिज में रखा करें। अदरक और लहसुन का पेस्ट खराब नहीं होगा। नंबर तीन, प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड पर लगे दाग धब्बों को साफ करने के लिए 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडे में आधे नींबू का रस मिलाकर बोर्ड पर अच्छी तरह से मिला ले। चॉपिंग बोर्ड को 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रहने दे। बाद में नींबू के छिलके से बोर्ड को रगड़ कर साफ कर ले, चॉपिंग बोर्ड चमक उठेगा। नंबर चार, इसी तरह से वुडन के चॉपिंग बोर्ड पर लगे खाने के दाग धब्बों को साफ करने के लिए नमक का इस्तेमाल करें। 1 टेबल स्पून नमक में आधे नींबू का रस मिलाएं। इस पेस्ट को नींबू के छिलके पर लगाकर वुडन चॉपिंग बोर्ड पर रगड़े, फिर पानी से धो ले, वुडन चॉपिंग बोर्ड पहले की तरह चमकने लगेगा। नंबर पाँच, पिसे हुए मसालों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कांच के जार में भरकर रखें। पिसे हुए मसालों को खराब होने से बचाने के लिए उनमें 1-2 चम्मच नमक मिलाकर रखें। ऐसा करने से मसाले जल्दी खराब नहीं होते और उनमें फंगल व जले नहीं लगते। नंबर छः, नमक मिले मसाला का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि सब्जी में मसाले डालते समय नमक की मात्रा कम रखें। नंबर सात, केलों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए उनके ऊपर भाग पर वॉलपेपर लपेट दे, इससे केले जल्दी पकेंगे नहीं और ना ही खराब होंगे। नंबर आठ, चावल के आटे में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, उसे कीड़े से बचाने के लिए उसमें नीम के थोड़े से पत्ते डाल दे, कीड़े नहीं लगेंगे और आटा ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहेगा। नंबर नौ, छिले हुए लहसुन को अधिक दिनों तक स्टोर करने के लिए उन्हें एयर टाइट डब्बे में बंद करके सुरक्षित रखें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि डिब्बा पूरी तरह से सूखा हो। नंबर दस, एयर टाइट डब्बों में छिला हुआ लहसुन रखें, लेकिन उसे धोए नहीं। पानी लगाने से लहसुन जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले उसे धोकर खाने में डालें। इससे लहसुन को 15 से 20 दिनों तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 11, हरे धनिए को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए पहले उसे अच्छी तरह से साफ कर ले। एक एयर टाइट कंटेनर में पहले टिश्यू रख कर बिना धोए हरा धनिया फैला दे, ऊपर से दूसरे टिश्यू पेपर से कवर करे, कंटेनर को बंद करके फ्रिज में रखें। हर 4 से 5 दिन बाद टिश्यू पेपर बदल दें। हरा धनिया 2 से 3 हफ्ते तक सुरक्षित रहेगा। नंबर 12, मीठा दलिया बनाते समय उसमें शक्कर डालने की बजाय स्वाद अनुसार बची हुई चाशनी मिला दें। नंबर 13, गेहूं के आटे में सौंफ, मैश किया हुआ केला और चाशनी मिलाकर घोल बनाए। गरम तेल में पकोड़े डालकर करारे गुलगुले बनाए। नंबर 14, पूरन पोली का पूरन बनाते समय चाशनी का प्रयोग करें। पूरन बनाते समय नरम चने दाल में चाशनी डालकर पकाए, ड्राई होने तक भून लें। गूंदे हुए मैदे या आटे में भरकर पूरन पोली बनाए। नंबर 15, चाशनी में गेहूं का आटा और मैश किया केला मिलाकर घोल बनाए। इस घोल से छोटे छोटे पैनकेक बनाकर खाए। नंबर 16, केसरी भात या मीठे चावल बनाते समय उसमें शक्कर की बजाय चाशनी डाल सकते हैं। नंबर 17, शक्कर पारे और बालूशाही बनाने के लिए भी चाशनी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 18, शाही टुकड़ा बनाने के लिए ब्रेड को सुनहरा होने तक
तल ले, फिर बची हुई चाशनी में डुबाकर रखे, रबड़ी डालकर ड्राई फ्रूट से सजाकर सर्व करे। नंबर 19, यदि घर में घी बना रहे हैं और घी जला गया हो तो उसके कालेपन को दूर करने के लिए ताजे आलू काटकर घी में मिक्स करके गर्म करने पर घी साफ हो जाता है। नंबर 20, यदि आलू के चिप्स को स्टोर करते समय उसमें सूखी लाल मिर्च और नीम की पत्तियां रख दी जाए तो इसमें बदबू नहीं आएगी। नंबर 21, नींबू के अचार में नमक के दाने पड़ जाते हैं, अगर अचार में थोड़ा सा शक्कर पाउडर मिला दिया जाए तो अचार का स्वाद दोबारा ताज़ा हो जाएगा। नंबर 22, जिस प्लास्टिक के डिब्बे में खाने पीने की चीज़ें हो उसके बाहर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देने से चींटियां डिब्बों से दूर रहेगी। नंबर 23, यदि ड्राई फ्रूट्स या मेवे आदि को आसानी से काटना चाहते हैं तो उन्हें 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। नंबर 24, टमाटर या बादाम के छिलके आसानी से निकालने हो तो उसे 5 से 10 मिनट के लिए उबलते पानी में डाल दें। नंबर 25, गोभी बनाते समय उसमें 1 टेबल स्पून दूध मिला दें, इससे सब्जी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और वास्तविक रंग भी नहीं जाता। नंबर 26, दाल सांभर आदि बनाते वक्त छोंक हमेशा आखिर में लगाए, छोंक लगाने के लिए अलग से छोटे पैन का इस्तेमाल करें। नंबर 27, छोंक लगाने के लिए ज़्यादा तेल का इस्तेमाल ना करें, 1/2 टेबल स्पून तेल बहुत है छोंक लगाने के लिए। बहुत अधिक तेल डालने से डिश का असली स्वाद ख़त्म हो जाता है। नंबर 28, छोंक लगाते समय कढ़ाई में तेल गरम करें, तेल गरम होने के बाद आंच धीमी करें, उसके बाद जीरा राई और पंचफोरन डालें, गरम तेल में जल जाएंगे। नंबर 29, यदि छोंक जल जाए तो उसे दाल आदि में ना मिलाएं, इससे खाने पर स्वाद खराब होगा और खाने में जले मसाले की स्मेल भी आएगी। नंबर 30, बेकिंग करने से पहले ओवन को फ्री हीट कर ले, उसके बाद ही बेकिंग ट्रे ओवन में रखे। नंबर 31, जितने तापमान पर केक को बेक कर रहे हैं उतने तापमान पर 10 मिनट पहले ओवन को फ्री हीट कर ले। नंबर 32, बिस्किट कुकीज़ और केक बनाते समय सामग्री के मेज़रमेंट को ध्यान में रखें, वरना वे उतने परफेक्ट नहीं बनेंगे जितना आप सोच रहे हैं। नंबर 33, केक बनाते समय घोल को हाथ से फेंटने की बजाय इलेक्ट्रिकल बीटर से एक ही दिशा में बीट करें। नंबर 34, 1 साल पुराना बेकिंग पाउडर ना मिलाएं। नंबर 35, केक में मिक्स नट्स भी मिला रहे हैं तो उनमें थोड़ा सा मैदा बुरक कर घोल में मिलाएं। नंबर 36, केक बनाते समय एक बार बेकिंग ट्रे ओवन में रख दी तो बार बार ओवन को डोर ना खोले, इससे ओवन का तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। नंबर 37, ओवन से निकालने के बाद केक को रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने दें। नंबर 38, ठंडा होने के लिए केक को पैन के नीचे ना रखें और ना ही खुला छोड़ें, ऐसा करने से केक की ऊपर की सतह कड़क हो जाती है। नंबर 39, पीसे हुए मसालों का सुरक्षित रखने के लिए एक आसान तरीका यह भी है कि आप उन्हें फ्रीजर के डोर साइड पर रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही जानकारी की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।